नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे कि इस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मूंग, प्याज और धान, और साथ ही साथ चीनी, मसूर और ग्वार पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें आपको, भाव पर चर्चा होगी बाजार की जानकार अनुज गुप्ता से। तो फिर आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। मूंग के बाजार में रहा मिला जुला रुख, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आई 2370 रुपए की भारी गिरावट। बात मूंग के बाजार की ही, बता दें आपको कि शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। अलीगढ़ मंडी में 2370 रुपए की भारी गिरावट आई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात मूंग की आवक की करते हैं तो अधिकतर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। मूंग के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। शनिवार को अलीगढ़ में बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि कुछ मंडियों में मूंग के भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव में 2370 रुपए की गिरावट देखी गई। 26 अगस्त को यहां मूंग का भाव 8650 रुपए था, जो 27 अगस्त को 6280 रुपए रह गया। राज्य की लखनऊ मंडी में बीते दो दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 26 और 27 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6980 रुपए। हाथरस मंडी में 26 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6200 रुपए। 27 अगस्त को इसके सौदों में 40 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव हो गया 6240 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 26 अगस्त को मूंग का कारोबार 8200 रुपए पर हुआ। 27 अगस्त को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 8200 रुपए पर टिका रहा। सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। साल 2021-22 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 रुपए क्विंटल था, जिसमें साल 2022-23 के लिए 480 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7755 रुपए क्विंटल हो गया। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 60,000 टन ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 31,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। तो देखा आपने मूंग के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, परिस्थितियां किस तरह से बनी हुई हैं, आगे ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, जानकारी ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति को देखते हुए हम आगे आने वाले समय में किस तरह का अनुमान लगाएं मूंग के बाजार भाव में। मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने यहाँ पे नरमी का रुख आते हुए देखा है। मंडियों के अंदर आवक बनती हुई दिखाई दी है और इस बार हमने देखा है कि अच्छी क्रॉप भी मूंग के अंदर देखने को मिल रही है और इस बार जो रकबा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दालों के अंदर हमें लगता है आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भावों में और गिरावट आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? मूंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने भावों में नरमी देखी है। किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ी है आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है आने वाले समय में मूंग के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं। तो यहाँ पर बिकवाली करके अगर हमारे किसान चलते हैं तो उनके लिए सही रहेगा, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। प्याज के भाव में शनिवार को रहा उतार चढ़ाव, राजस्थान की जयपुर मंडी में 100 रुपए की कमी आई। शनिवार को धान के बाजार में रही सुस्ती, कुछ मंडियों में रहे स्थिर बाजार भाव।
अब बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि शनिवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदे उतार चढ़ाव भरे रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर 100 रुपए की नरमी देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 10 रुपए की मामूली तेजी आई। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार में इजाफे का अनुमान जताया जा रहा है। प्याज के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को प्याज के सौदों में उतार चढ़ाव दिखा। एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 26 अगस्त को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए, 27 अगस्त को इसमें 100 रुपए की कमी हुई और भाव 1000 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 26 अगस्त को प्याज की खरीद 1500 रुपए पर हुई थी, 27 अगस्त को यहां इसका भाव 10 रुपए चढ़कर 1510 रुपए क्विंटल हो गया। हालांकि गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 26 अगस्त को इसका भाव था 1125 रुपए, 27 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1075 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज स्थिरता के साथ कारोबार करती दिखाई दी। यहां 26 अगस्त को इसका भाव था 1500 रुपए, 27 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और ये 1500 रुपए पर ही टिका रहा। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3,17,00,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2,66,00,000 टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो प्याज के बाजार के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की, किस तरह का माहौल बना हुआ है इस पर भी कमोडिटी एक्सपर्ट की हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनुज जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का अनुमान लगाएं हम? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का ही रुख देखा है। इस बार हम भारत में प्याज की बंपर क्रॉप का अनुमान कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस बार यहाँ पर बंपर क्रॉप देखने को मिल सकती है। प्याज के बाजार में भाव आगे नरम होते हुए दिखाई देंगे, जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, तो नरमी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि पैदावार काफी अच्छी अनुमानित है। ऐसे में किसान किस तरह के कदम उठाएं जिससे उन्हें लाभ मिल सके? प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप में बिकवाली का रुख करके चले, मंडियों का रुख कर सकते हैं क्योंकि आगे बंपर क्रॉप देखने को मिल सकती है और जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए और अगर ज्यादा आवक होती है और ज्यादा क्रॉप रहेगी तो हमें लगता है कि इस बार निर्यात भी हम प्याज का देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें लगता है कि प्याज के बाजार में आगे नरमी का रुख रह सकता है। ज्यादा क्रॉप होने की वजह से, अच्छी आवक होने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इसमें नरमी का माहौल अनुमानित है। हमारे किसान बिकवाली करके चलेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। बात हो गई प्याज की, बढ़ते हैं आगे। देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है, अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,500 रुपए। इसके साथ ही पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 6,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बता दें आपको सौदे हुए 7,850 रुपए पर। और यहीं की अगर हम बदायूं मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 7,010 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बता दें इसके साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर, कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC कहे साथ तो डर ना फिकर की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन के किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम चीनी का हाल, लेकिन पहले बात कर लेते हैं धान के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में शनिवार को धान के सौदों में सुस्ती का रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। धान के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12 करोड़ 43 लाख 70 हजार टन रही थी। वहीं बात खरीफ धान की बुवाई की करें तो चालू खरीफ सीजन में धान की बुवाई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 43,83,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुवाई 3,09,79,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,53,62,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुवाई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। पंजाब में धान की बुवाई बीते साल से 65,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान में 59,000 हेक्टेयर, गुजरात में 49,000 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 26,000 हेक्टेयर ज्यादा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे कई राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 अगस्त को सामान्य धान का भाव था 1,870 रुपए, 27 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए की कमजोरी के बाद 1,860 रुपए रह गए, जबकि बस्ती मंडी में 26 अगस्त को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,590 रुपए, 27 अगस्त को यहां भी इसके सौदों में 10 रुपए की कमी आई और भाव 1,580 रुपए रह गया। हालांकि गुजरात की दहेगाम मंडी में भी धान के सौदों में सुस्ती देखने को मिली। 26 अगस्त को यहां धान का भाव था 1,725 रुपए, 27 अगस्त को ये 13 रुपए गिरकर 1,712 रुपए हो गया। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 26 अगस्त को धान का भाव रहा 1,215 रुपए, 27 अगस्त को इसके भाव में कोई अंतर नहीं आया और भाव 1,215 रुपए पर ही टिका रहा। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग मंडियों में, आवक भी सामान्य सी बनी हुई है। आगे किस तरह का माहौल रहेगा कमोडिटी एक्सपर्ट से जान लेते हैं, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, धान के बाजार को लेकर जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने एक मिलाजुला रुख आते हुए देखा है। हालांकि हमने देखा है कि मंडियों के अंदर आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। आने वाले समय में आवक जब बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भावों में हम कुछ उठापटक आती हुई देखेंगे। इस साल अगर देखें तो माना जा रहा है कि क्रॉप बम्पर देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ये भी अनुमान है कि क्रॉप में थोड़ी बहुत कमी भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से हमने बारिश ज़्यादा बनती हुई देखी है, अगर बारिश और आगे होती हुई दिखाई दी तो क्रॉप के अंदर कुछ कमी देखने को मिल सकती है। भावों की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि भावों में थोड़ी बहुत उठापटक यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि अगर क्रॉप कम होती है और आवक डिले होती है तो भावों में कुछ हाल देखने को मिलेगा, मगर अगर
क्रॉप सही टाइम से आती है और अराइवल भी ठीक रहती है, तो भाव एक नरमी की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम अगर ओवरऑल देखें तो भाव अभी कुछ नरमी के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में उठापटक बनी रहेगी, मगर जैसा कि माना जा रहा है कि एक अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है, तो भाव आगे कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में हम कह सकते हैं कि उठापटक का माहौल रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार नरमी का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में किसान क्या कह कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? धान के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडी में क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक उठापटक का रुख रहेगा, मगर लंबी अवधि में अगर क्रॉप की आवक कम रही तो भाव बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो हमारा मानना है कि किसानों को क्रॉप को भी यहाँ पे रोक के चलना चाहिए, लंबी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में आपका कहना है कि अगर आवक कम रहती है तो दाम अच्छे मिल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार हमारे किसान यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनु जी आपका, हमारे साथ जुड़े अलग अलग जिनसों पर आपने जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे केले के बाजार भाव पर, आइए एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहां पर केरल की अंचल मंडी की। बता दें केले का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,300 रुपए। इसके साथ ही पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 2,650 रुपए पर, और यहीं की बता दें हाथरस मंडी में बिकवाली हुई 2,550 रुपए पर। ये सभी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि अलग अलग मंडियों में अनार के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बात करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की, बता दें अनार का भाव रहा 11,600 रुपए। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी की बात की जाए तो बता दें यहां पर सौदे हुए 12,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 6,450 रुपए पर। और यहीं की अगर हम लखीमपुर मंडी की बात तो देख सकते हैं यहां पर जो भाव है वो दर्ज किया गया 6,420 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले और अनार का हाल तो आपने जान लिया, अब बात कर लेते हैं चीनी के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर चीनी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,750 रुपए। जी हाँ, बिकवाली जो है दर्ज की गई 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बाजार भाव जो है दर्ज किया गया 3,420 रुपए प्रति क्विंटल, यहाँ पर बिकवाली हुई है 3,420 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की ही हम एक और मंडी की बात करें, जी हाँ गाजियाबाद मंडी की बात करें, तो यहाँ पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 3,800 रुपए प्रति क्विंटल। जी हाँ, बिकवाली हुई है 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये तो बात हो गई भाव की, जो कि हमने आपको बताया है आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आपको बता दें कि भारत को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का जो निर्यात है 2 गुना तक बढ़ चुका है। आंकड़े बता दें आपको कि साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं अगर बात साल 2017-18 की जाए तो इस दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए का रहा। इसके साथ अगर हम बात करें साल 2018-19 की तो जानकारी दें आपको कि इस दौरान चीनी के निर्यात में फिर से इजाफा हुआ और ये 9,523 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह से साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो साल दर साल हम यहां पर इजाफा होते हुए ही देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें 2020-21 की तो जानकारी दें आपको कि इस दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, यहाँ पर बढ़त फिर से देखने को मिली है, ये 20,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। तो लगातार हम यहाँ पर इसके निर्यात में इजाफा ही देख रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख टन चीनी की खपत का अनुमान जताया गया है।
तो अभी आपने जाना कि चीनी के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। अलग अलग मंडियों में आपने बाजार भाव के हाल भी जान लिए और ये भी जाना कि साल दर साल निर्यात में हमने देखा है कि बढ़ोतरी ही हो रही है। इसका सीधा सीधा फायदा हमारे चीनी के किसान उठा सकते हैं। तो चीनी के बाजार के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसके साथ बता दें आपको, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मसूर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है, किसानक्रॉप्स.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चलकर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस, मैंने भी वही बेचा। www.किसानक्रॉप्स.com, हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। के बाद दूरदर्शन के साथ की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। जानकारी दें आपको कि शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में मसूर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,150 रुपए। यहीं की अगर हम लखीमपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,760 रुपए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहीं की सहारनपुर मंडी की तो सौदे हुए 7,550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भाव के बाद मसूर की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन की रही थी। तो मसूर के बाजार पर अभी आपने नजर डाली, जाना आपने कि पैदावार में इस बार कमी का अनुमान है और देश के अलग अलग मंडियों में आपने बाजार भाव भी देखे। बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए हैं। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,500 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करें महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो बता दें आपको बाजार भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की जलालाबाद मंडी की तो जानकारी दें आपको कि यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में सौदे दर्ज किए गए 1,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है जो हम आपको बता रहे हैं। भिंडी के बाद खीरे के बाजार भाव पर आइए एक नजर डालते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की यहां पर बात करेंगे, खीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,850 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो रहा 2,000 रुपए। जबकि हम पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ, 2,000 रुपए पर ही इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसके जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,530 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब एक नजर डाल लेते हैं कैसा बना हुआ है ग्वार का बाजार। जानकारी दें आपको कि शनिवार को ग्वार के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो एक नेट के अनुसार गुजरात की मनसा मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,810 रुपए। गुजरात की अंजर मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए।
जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे हुए 4,411 रुपए पर। बता दें आपको कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान ग्वार गम के निर्यात में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के 11 महीनों के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का जो निर्यात है 2,10,712 टन का हुआ था। यानी कि अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम का निर्यात 84,000 टन का बढ़ा है। तो जाना आपने कि ग्वार के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है और साथ ही आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी जान लिया। इसके साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।